ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया से यहाँ आके इंडियंस का नाम खराब करते हैं। नहीं, जिससे मैं प्यार करूंगा उसी से शादी करूंगा और उसी को भाव में पकड़ूंगा। तुम्हारी कमर पर जो तिल है वो तुम्हारे होठों पर होता। समंदर में नदियाँ मिलती हैं, छोटे छोटे कुएं नहीं। Okay. Nobody will move. Don't move. Show me the money. No. Show me the money. Show me the money, I say. No. Show me the money. No. Give me money. हेलो उर्मिला। हाय रोमा, बोलो। विक्की हॉस्पिटल पे है। क्या विक्की हॉस्पिटल में है? हाँ। कौन से हॉस्पिटल में? सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल। कम ऑन हेनरी। टूट गया, पैर भी टूट गया। सिर्फ जबान छोड़कर बाकी सब कुछ तोड़ दिया रे। तो फिर उसी जबान से बताओ विकी, ये सब कैसे हुआ? माउंट हट पर एक लड़की स्कीइंग कर रही थी, बाजू के होटल वाले ने उसे रेप करने की कोशिश की, और जब मैं बचाने गया तो क्या? कौन है वो? राजू। राजू इंडियन है? हाँ। इंडिया से यहाँ आके इंडियंस का नाम खराब करते हैं। रोमा, डॉक्टर को बोलकर साइड वाला बेड खाली कराओ। क्या नाम बताया उसका? राजू। राजू। Come on.
आप इंडिया से न्यूजीलैंड बर्फ के ठंडे पानी में जान देने क्यों आई? वहीं किसी नदी नाले में कूदकर जान दे देती? मैं यहाँ जान देने नहीं, किसी की जान लेने आई हूँ। अच्छा, तो आप जान लेंगी। वेरी गुड। मैं सीरियस हूँ। अच्छा, वैसे आप किसी को नजर उठा के देख ले तो वैसे ही मर जाएगा। देखो मजाक मत करो, एक बार मेरे हाथ में तो आने दो, हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगी उस इडियट की। वैसे ये इडियट है कौन?
है एक इंडियन। इंडियन? रेस्टोरेंट का मालिक है। नाम क्या है उसका? राजू। आप जानते हैं उसे? शायद जानता हूं मैं उसको। मुझे फॉरेन लेकर चलो उसके पास, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। मगर उसने किया क्या है? बहुत ही घिनौनी हरकत किया, बताते हुए शर्म आ रही है। अच्छा बताते हुए शर्म आ रही है, मारते वक्त शर्म नहीं आएगी आपको? अपने मुंह से बताएगा वो उसने किया क्या है, बल्कि उसके लिए तो एक बेड भी बुक करवा के आई हूँ मैं हॉस्पिटल में। Now come on, let's not waste time, let's go, get into the action. Yeah, come on, let's go, let's go, let's go. मेरे नाम का बिल किसने पढ़ा? Let's go. Hey, what is mobile number? What is a dial number? What is a gully number? What is a road number? You know my sandal number? कर दूँगे तुझको अंदर। देखो मैं कंफर्म करके आता हूँ कि यही राजू है कि नहीं। जल्दी आना। Okay, बहुत डिस्परेट लग रही है। गोपाल, ये लड़की ने तेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? सीधा सीधा बोलना, तूने देख लिया है। यार तेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है यार? क्या मालूम यार, जब भी लड़की पटाने की कोशिश करता हूँ सीधा चमाट तपाट, और एक तू है, तेरे आगे पीछे लड़कियां घूमती रहती है। ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन के लिए तो गोपाल बन जाए और मैं राजू बन जाऊँ। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज तेरी सारी तमन्नाएं पूरी कर देता हूँ मैं। कैसे? वो लड़की देख रहा है? क्या बात है, देसी लग रही है यार, क्या मस्त लग रही है, पकड़ू क्या? अरे वो खुद तुझे आकर पकड़ लेगी मेरे दोस्त। नहीं। हाँ कैसे? बोल रहा हूँ कैसे, मुझे पता चल जाए कि तू गोपाल नहीं राजू है। तो जाके बोलना मैं राजू हूँ। लेकिन तू उसको गलती से बोल मत देना कि तू गोपाल है। नहीं नहीं, मैं राजू था, राजू हूँ, राजू रहूंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मैं राजू बस चिल्लाऊंगा, कुर्ता फाड़ के मैं राजू राजू चिल्लाऊंगा, कुर्ता फाड़ के तू मजनू मजनू चिल्लाएगी, कपड़े फाड़ के मजनू मजनू कपड़े फाड़ के, कुर्ता फाड़ के फाड़ फाड़ के। मैडम जरा सोच समझ के, उसे पता लग गया है हम उसी के पीछे हैं। हाँ वो मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकता। होशियारी से काम लेना, आदमी खतरनाक लगता है, मैं तो यही रुकूंगा भाई। यू डोंट वरी, डोंट वरी, उसका वो हाल कर दूंगी दो मिनट में। ओ तो तुम ही राज हो? तो क्या मैं तुम्हें आमिर खान दिखाई दे रहा हूँ? मैंने तो सोचा था कि तुम 6 फुट ऊंचे लंबे मूंछों वाले विलन टाइप के आदमी निकलोगे। तुम तो बड़े कॉमेडियन टाइप के आदमी निकले। तुम्हें मारने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। तो तुम भी मेरी बॉडी और हाइट से धोखा खा गई ना। लेकिन मैडम तुम मुझे जानती नहीं, मैं बहुत खतरनाक आदमी, आधे हिंदुस्तान की पुलिस मुझे देश के कोने कोने में ढूंढ रही है और मैं यहाँ के बस हूँ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? उसके पास तो गन है। हाँ गन तो है, देख रहा हूँ मैं। लेकिन एक मिनट, एक मिनट भाई साहब, आप एक हिंदुस्तानी होकर एक हिंदुस्तानी को क्यों मारना चाहते हो? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप पकड़ो इस लड़की को। ऐसे नहीं, बाहों में बाहें डाल के पकड़ो इसको। नहीं नहीं, बाहों में बाहें डाल के मैं किसी लड़की को ऐसे नहीं पकड़ लूंगा, मैं उस टाइप का लड़का ही नहीं हूँ। ज्यादा बात नहीं करना, दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। चल। अरे अरे पकड़ो ना जल्दी से, नहीं तो गोली मार देगा। नहीं नहीं, जिससे मैं प्यार करूंगा उसी से शादी करूंगा और उसी को बाहों में पकड़ूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा और टाइप का लड़का हूँ। ओहो, तो फिर ऐसे समझो कि मैं ही वो लड़की हूँ जिससे तुम प्यार करते हो, शादी करने वाले, और फिर जल्दी से पकड़ लो। चल। अच्छा आने दो। कसके। अरे भाई साहब, आप हम दोनों को इतना क्यों कसवा रहे हो? मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ। किस टाइप का? मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक गोली से दोनों कैसे मरते हैं। मेरे पास सिर्फ एक गोली है। नहीं भाई साहब। ठीक है भाई साहब, मरने के लिए तैयार हो जाओ। घुमाओ यार भाई साहब, आंखें बंद करके ऐसे आंखें खोल लेने, समझे? बहुत टेंशन हो रही है भाई साहब। भाई साहब तो भाग गया, भाग गया, सारा मूड खराब कर दिया साले ने। मेरा मतलब जाएगा कहाँ भाग कर? वैसे उर्मिला, राजू ने किया क्या था? किया था राजू ने, किया। पहले उसे पकड़ो फिर बता। ओके लेट्स कैच हिम। मैन भाग कर जाएगा कहाँ? अपने रेस्टोरेंट में तो आएगा ही ना, यहीं बैठकर उसका इंतजार करते हैं। अरे लेकिन आप मुझे बता क्यों नहीं रही है कि आप राजू को मारना क्यों चाहती है भाई? मिलेगा तो खुद ही बताएगा अपने मुंह से। ओके ये पॉइंट भी सही है। आप 2 मिनट रुके, मैं 5 मिनट में अभी आया। आई विल बी बैक। ओके Would you like to place your order? Get me coffee, please. Would you like it Irish or plain? Irish. Irish. Brother, आपको छुपने के लिए यही जगह मिली? अरे उससे बचने के लिए यहाँ घूम रहा हूँ यार, सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाटा खाया हूँ। नहीं नहीं, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो जूता भी खाएंगे। क्यों? वो सामने ही बैठी। हट हट, चल चल चल, निकल निकल, चल निकल चल निकल, हट हट। Excuse me, where is that girl? She's right up there. How did she go there? What did she have? She had Irish coffee. Irish? Yeah. Thanks a million. Yeah. Woohoo! Hey, go, 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 go! Woohoo!
Baby, come down, baby. Now. अरे ऊपर आ जाओ, बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मैं ऊपर, तुमको राजू को ढूंढना है ना। हाँ, किधर है? हाँ तो हवा में नहीं मिलेगा, जमीन पे मिलेगा तुमको, मैंने देखा उसको बगल में। कहाँ है? किधर राजू? Come on, jump, 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 I'm coming. Jump, 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 baby. I got you, baby. Oh, oh, baby, you're not that light, man. उर्मिला दिल में मेरे प्यार वाला गुल खिला, हसीन तू जवान, मैं लुटाऊं तुझ पे जान, मैं कल शुरू करें ये चाहतों का सिलसिला। मंजला ओ मंजला ओ मंजला, जा दीवाने यूं ना मेरा दिल जला। मंजला ओ मंजला ओ मंजला, जा दीवाने यूं ना मेरा दिल जला। ये आपके कपड़ों की तरह नहीं है, ये आप ही के कपड़े हैं। What? ये कैसे हुआ? रात को हुआ ये सब। क्या हुआ? यही आयरिश कॉफी के नशे में आपने न जाने क्या क्या किया। क्या किया मैंने?
आपने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए आपके सामने। नहीं नहीं, मैंने मुंह घुमा लिया था, मैंने मुंह घुमा लिया था। आप सच कह रहे हैं ना? बिल्कुल। लेकिन उसके बाद आपने मेरा लुंगी कुर्ता निकाल कर पहन लिया। आपके सामने? नहीं नहीं, मैंने मुंह घुमा लिया था। फिर तो ठीक है, वैसे तो मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन आप सच कह रहे हैं ना? आपने तो कुछ नहीं देखा ना? आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं नहाते वक्त अपने आप को नहीं देखता, तो आपको क्या देखता? वैसे उर्मिला, तुम्हारी कमर पर जो तिल है वो तुम्हारे होठों पर होता, होता तो क्या होता रे? बिल्कुल बिल्कुल। पद्माशत में मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ भाई, क्या हुआ उर्मिला, क्या हुआ? अरे उर्मिला बोलोगे कि मैं ऐसी बात नहीं। गोपाल, 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 कौन गोपाल? ये तो राजू है। हाँ हाँ, राजू गोपाल, गोपाल राजू, राजू गोपाल, गोपाल। अरे सामने से अटैक कर रहा था, ऐसा खींच के दिया है, सुबह तक नहीं उठेगा राजू गोपाल। कल सुबह तक तो क्या, अब लगता है ये उम्र भर नहीं उठेगा। मतलब? मेरा मतलब क्या, ये तो दुनिया से उठ गया। ये तो माल गया, ये तो माल गया, ये तो बहुत जोर से मारती है। सुन सुन सुन, मेरी बात सुन, तू मर चुका है और तू लाश बन के रहना। सुन सुन, मेरी बात सुन, तू मरेगा तब बता कि राजू के पीछे क्यों पड़ी हुई है। चल चल, मर जा मर जा मर जा। ये तो सारी पम्मी करके देख ली, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सचमुच मर गए? आई थिंक सो। क्या पुलिस आएगी? आएगी, मुझे जेल में लेकर जाएगी। लेकर जाए, लेकर जाए। मुझे फांसी पर लटकाएगी। लटकाएगी? मुझे बचा लीजिए, आप तो जानते हैं मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। आखिर राजू ने किया क्या था? हाँ, वो तो सब बाद में बताऊंगी, अभी पहले बॉडी का कुछ कीजिए प्लीज। डोंट वरी, नोबडी हैज सीन अस, नोबडी हैज सीन अस। पागल हो गए हो क्या? वो लाश को मार डालेगा, इल्जाम उसके सर पे चला जाएगा, हम दोनों बच जाएंगे। अरे क्या बात कर रही हो, दोस्त है मेरा वो। क्या? अरे नहीं नहीं, तुम समझी नहीं। क्या? अगर उसने लाश की मुंडी काट दी ना, तो हम लोगों को मुंडी एक जगह पर ले जानी पड़ेगी और धड़ एक जगह पर ले जाना पड़ेगा, फंस जाएंगे हम लोग। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? अरे इसको क्या हो गया, अभी तो उसे मार रहा था, अभी खुद कैसे लड़क गया? आत्मा, आत्मा ने झटका दे दिया और तुम भी तमीज से रहना। चलो इससे पहले कोई आ जाए, इस लाश को ठिकाना लगाना पड़ेगा हमको। चलो इससे जल्दी जल्दी जल्दी, इसके पहले कोई और आ जाए, लाश को ठिकाने लगा देते। ओके, इसकी उंगली तो मैं इसके तरफ से कर लेता हूँ यार, तुम टेंशन मत लो। चलो बच जाओ जल्दी से। चुप चुप चुप, तुमको नहीं बोल रहा हूँ, तुमको नहीं बोल रहा हूँ। ओहो, ये कहाँ लेके आए हो? ये क्या है? इतना भी नहीं मालूम, ये जंक यार्ड है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन गाड़ी यहाँ क्यों रोकी है? यहाँ पे लाश का क्या करेंगे? सीधी सी बात है, यहाँ पर गाड़ी स्क्रैप होती है और उसे कबाड़ खाने में फेंक दिया जाता है। गाड़ी के साथ साथ लाश भी स्क्रैप में चली जाएगी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। मैं कहता बैठ, चुप बैठ, बोल रहा हूँ तुमको। ओह या, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, कम ऑन लाश। पुलिस, 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 पुलिस आगे। क्या करें, तू बोलो क्या करें? डरो मत, कुछ सोचो। क्या सोचूं? एक आइडिया, एक आइडिया। क्या? एक काम करो, तुमने जोर से पकड़ लो और पकड़ के जोरदार किस कर दो, और तब तक किस करती रहो जब तक पुलिस जाती नहीं। रबिश, क्यों? मैं सिर्फ उसी को किस करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। बिल्कुल नहीं। मैंने तुमको भाव मनी लिया था क्या? हाँ। और तुम एक पल के लिए सोचो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे शादी करना चाहती हो। पुलिस जाके दोनों को पकड़ लेगी, हम दोनों की जान जाएगी। मुझे क्या करना है? Okay, let's go. Yeah. Thank God. Thank God. चले गए? हाँ हाँ, सब चले गए। लेकिन उन्होंने लाश को देखा नहीं? हाँ, लाश को? अरे हाँ, अरे देखो ना, मरा हुआ भी कितना मासूम लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सो रहा है। हाँ हाँ, आप क्या करें? हाँ देखो, पुलिस ने इसका चेहरा पहचान लिया है। हाँ। अब इस लाश को यहाँ पर ठिकाने लगाना ठीक नहीं, हम लोग काम करते हैं, इसको होटल ले जाते हैं
और चैन से आराम से बैठकर चाय पीते हुए सोचते हैं कि इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाएं। ओके 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 पिछट कंधी लाश कहीं थी। सुनो हाँ लिपस्टिक साफ करो। ओ ओ ये कब लग गई? ओ ओ ओ ओ ओ आई डिडंट रियलाइज दैट। ओ कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, जल्दी अंदर चलो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। मैं मदद करूं? नहीं मैं अकेला ही ठीक हूँ, आपने जितना कर दिया काफी है। Excuse me, my room key, please. Sure. My room key, yeah. Thank you. Something wrong? Nothing. He just got drunk. Don't worry. He's not looking at you. He's not staring at you. Don't worry. Gopal, ये लाश झुके कैसे? सीधी बात है, किसी भी लाश को छोड़ोगे तो झुक जाएगी। ये तो अच्छी लाश है कि लाशों की भी लाश जैसी नहीं दिख रही। देखो तो कुछ पता नहीं, मुझे तो एक्सपीरियंस भी नहीं है ना। जोर जोर से बातें मत करो, फंस जाएंगे हम लोग। पहले इसे झुकाओ, झुकाओ, इसकी बॉडी सीधी नहीं हो रही। ओह माय गॉड। देखो एक बात बताओ, ये लाश इतना आकड़ क्यों रही है? अरे लाश को ठंडी लगे ना। कोई बात नहीं, लाश को ठंडी लगे, ठंडी लग गई। मरने के बाद भी हमारे पीछे पड़ी हुई है। कभी कभी ऐसा हो। क्यों मार रही हो लाश को? लग जाएगा ना, क्यों मार रही हो उसको? मुझे घूर क्यों रहे? कहाँ घूर घूर के? अरे लाश है लाश, इसको एंजॉय करो। जी और शो नहीं देखा? ओके मैं काम करता हूँ, मैं इसको चश्मा बना देता हूँ, आई कांटेक्ट टूट जाएगा। ये देखो, ये वो शो नहीं देखा तुमने? जी और राम से की पिक्चर, आराम से देखो कैसे आराम से पड़ा हुआ है। मुझे लगता है तुमको भूख लगी है। हाँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। भूख नहीं लगी, मैं अकेले कैसे रहूंगी? ये लाश कंपनी देगी ना, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट, बाय। अच्छा वेल मैडम, यस खाना आ गया। वाओ थैंक यू। अच्छा yes, तुमने yes, yes. ये बताया नहीं कि राजू ने किया क्या था? पहले खाना खा लूं, बहुत भूख लगी। ओके ओके। वाओ ये लाश कहाँ गई? मैंने लाश को छुपा के रखा है। कहाँ? फ्रिज में। ओके फ्रिज में। अरे मर गया, मर गया, मर गया, अरे मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। अरे हा? ये तो पहले से मरा है, वापस कैसे मरेगा? अरे मेरा समझा करो, लाश की कुल्फी हो जाएगी ना। लेकिन बाहर निकालेंगे तो लाश में से बदबू आ जाएगी ना। समझा करो, इधर रहेगा तो फ्रिज में बदबू आएगी ना। गया गया। हेलो है डेड बॉडी, डेड बॉडी है, अभी तक कुल्फी नहीं हुई। या इसका स्कोप है। तुम एक काम करो ना, तुम जाकर खाना खाओ, तब तक मैं लाश को ठिकाने लगाता हूँ। ओके okay, आदमी बड़ा अकड़ू okay. रहा होगा, कितना अकड़ रहा है मर के भी। अब बस सीधा हो जाए। सही उड़ ले, नहीं तो मर जाएगा। निकलते निकलते रह गया है। वाओ अभी क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है पागल? मरवाए मरवाएगा क्या पागल? चुप जा अभी, चुप चुप जा अभी, चुप कर ले। क्या हुआ? कुछ नहीं है, लाश बड़ी बदतमीज है, आप खाना खाइए। आप सुनो। हाँ मैंने सुना है अंधेरे में हाँ? भूत प्रेत घूमते रहते। हाँ हाँ मैंने भी सुना है कि अंधेरा होने पर भूत लोग घूमते घूमते उमते काय का। मैंने तो सुना है कि हंसते खेलते नाचते गाते और खाते भी हैं। हाँ वो ये वो रे वो यो रे वो रे वो रे वो रे वो रे वो रे वो। ये क्या हो गया? अरे लाइट चली गई अपने आप। हाँ ये क्या हो रहा है? ये
ये भूत तो वाकई डांस कर रहा है। मुझे तो लगता है कि अब ये खाना भी खाएगा। ओ, देखो देखो खाना खाना शुरू कर दिया उसने। उर्मिला, ये राजू ने आखिर किया क्या था? ये राजू ने आखिर उर्मिला ये तो फिर लाश बन गया। हाँ, अंधेरा होते ही आत्मा आई, उजाले में आत्मा चली गई। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से सो जाओ, क्योंकि हमें पांव फटते ही इस लाश को ठिकाने लगाना है। वैसे उर्मिला, राजू ने किया क्या था? बोलना यार। खाई पीछे की तरफ है, ओके? मैं लाश को ठिकाने लगाता हूँ। अच्छा, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम नहीं। हा? तुम चुपचाप यहीं पर बैठी रहो। ठंडी है। चलो मैं भी तुम्हें हेल्प करती हूँ। ओके। क्या हुआ? तुमको फिर से देखा? फिर से देखा? इस लाश की तो ना, इस लाश की तो मैं ऐसे, ऐसे, ऐसी बैंड बजाऊंगा, ऐसी। अबे चलिए 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 चलिए, चल खुजा खुजा खुजा, अबे खुजा, चल। ये चीख कहाँ से आई? इतनी ऊंचाई से फेंका है कि किसी भी लाश की चीख निकल जाती है। वैसे राजू ने किया क्या था? वैसे किया क्या था राजू? चलो चलो चलो, यहाँ से निकल चलते, इसके पहले कि यहाँ कोई आ जाए। कम ऑन, इतनी ठंडी है। ये भी अट्टू मच। चलो जल्दी। अच्छा बचे। हाँ इससे। थैंक्स गोपाल, इस सब ने तुमने मेरी कितनी मदद की है। इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ मैं न्यूजीलैंड पैसे कमाने के लिए आया था और कहाँ इस मर्डर के चक्कर में पड़ गया। लेकिन सुनो, तुम इस मर्डर के बारे में किसी को बता मत देना। अरे कमाल है, और किसी को कैसे पता चल सकता है, सिर्फ हम दोनों तो जानते हैं। नहीं तुम समझी नहीं, कल को मेरी शादी कहीं और हो जाएगी, तुम्हारी शादी कहीं और हो जाएगी, फिर बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, और फिर तुम उनको स्टोरी सुनाने बैठ जाओगी कि जब मैं न्यूजीलैंड गई थी तो ऐसा हुआ था। और कानून तो उम्र देखकर सजा देता नहीं है ना मैडम, फिर भी फंस सकते हैं और पक्का फंसेंगे, देखना। गोपाल, गोपाल तो फिर जल्दी सोचो। बस एक ही तरकीब है। क्या? क्यों ना अलग अलग शादी करने के बजाय हम लोग आपस में शादी कर ले। अपने बच्चों का फ्यूचर बचाने के लिए तुम ये स्टोरी उनको सुनाओगी नहीं, और अपने सुहाग को बचाने के लिए तुम ये स्टोरी भूल ही जाओगी। बिल्कुल नहीं। और मान लो अगर हम लोग पकड़े भी गए तो कम से कम साथ में अंदर जाएंगे ना पति पत्नी आपस में मिलकर, है ना? तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? देखो मैंने अपने दिल की बात तो कह दी, अब तुम बताओ कि तुम्हारी तरफ से क्या है, हाँ या ना? Well, सोचना पड़ेगा। सिर्फ 10 सेकंड है तुम्हारे पास। And the time starts now. जादू तू खूब यारी निभाई ना, मेरे को मरने के लिए खाई में छोड़ किया और खुद उस लड़की के पीछे भाग गया। तेरी दोस्ती के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, जिंदा से मुर्दा बन गया, गोपाल से राजू बन गया। यही सारा क्या कर रहे थे बंदर की तरह? क्या कर रहा है? यो 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 कर रहा है, तू क्या समझ गया? इतना बड़ा धोखा, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया? अरे मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे मारना चाहती हो। तुम्हें कितना अच्छा आदमी समझते थे मैं, तुम इतने गुरे हुए निकले। अरे लेकिन मैंने किया क्या है? तुम्हें सब बताऊंगी मैं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ ठीक है, चलो। ओके, यूज़लेस। आई एम सॉरी गोपाल, मैं तुझे ठंडी में छोड़ के आ गया था। आई एम सॉरी यार, रिलैक्स यार, कूल यार, रिलैक्स। ओके विकी, हाय। ये विकी, मारना नहीं। क्या बोला था इनको? मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। विकी बोल दे, विकी मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत? एक्सक्यूज मी, बोल क्या बोला था?
और क्या बोला था, वरना तुझे ऐसा तोड़ूंगा कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुझे जोड़ नहीं पाएगा। इन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया था? मैंने। राजू, राजू, राजू। कुछ बोलोगी भी या ऐसे ही खड़ी रहोगी? राजू तुम इंडिया जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो एयरपोर्ट पे घूमने के लिए आया हूँ। थोड़ी देर में फ्लाइट उड़ेगी और उसके बाद सामान लेकर लौट चलेंगे। क्यों गोपाल? गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा इंडिया से वापस तो आओगे ना? नहीं, इंडिया में मेरी गर्लफ्रेंड रहती है ना, मैं उसे शादी करके वही होटल हो जाऊंगा। वापस आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों गोपाल? गुस्सा क्यों हो रहे हो राजू? अरे यार कोई प्यार वाली बात करो ना। कैसे करूँ? मैंने तो कभी प्यार किया नहीं, पहली बार हुआ है। मुझे क्या मालूम कैसे करते हैं प्यार मोहब्बत की बातें। क्या बात करती हो? तुमको नहीं मालूम? तुमने कभी पिक्चर नहीं देखी किस तरह से हीरोइन हीरो को एयरपोर्ट पे मिलने के लिए आती है? हीरो धार से उसको गले लग जाता है और उसके बाद उसे प्यार से किस करने वाला होता है। कितने में टेंशन वाली अनाउंसमेंट है। फ्लाइट का टाइम हो गया भाई साहब, आई एम सॉरी।
तू क्यों सॉरी बोल रहा है? चमचा राजू बाबा बाबा अबे छूटा नहीं, फ्लाइट छूटेगी। अरे बाबा जाना यार, मैं तुमको इस लाश के हवाले करके जा रहा हूँ, लाश इसका ख्याल रखना। बाय। अरे छोड़ ना यार, फ्लाइट है ट्रेन नहीं, जो चेन खींचे रुक जाएगी। चल चल चल, पायलट को जवाब देना पड़ता है मुझे। I'm sorry. I'll help you. Yeah? क्या हुआ? पिताजी मुझे जान से मार देंगे। एक कांच का फ्रेम टूटने पर? घर जाने से पहले नया फ्रेम खरीद लीजिएगा ना। आई एम सॉरी। कहाँ जा रही हैं आप? अरे आप तो रो रही हैं। ये लीजिए रुमाल, आंसू पोंछ लीजिए। अबे रुमाल पीछे करना यार। मैडम आप अपना सर मेरे कंधे पे रख के रोइए, मैं आपको बहुत प्यार से चुप कराऊंगा। लगता है दूसरों के आंसू पोंछने का बहुत शौक है तुमको। अबे तो चुप बैठना यार। चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो, चलो। Why mess with a woman, man? I love you more than I can say. Yeah. हेलो भाई दीदी, ये गार्डन नहीं है, रेलवे ट्रैक है। उठिए, यहाँ पे ट्रेन आने वाली होगी। ट्रेन का ही तो इंतजार कर रही हूँ। तो प्लेटफॉर्म में बैठ के कीजिए ना, यहाँ आपकी जान चली जा सकती है। मरना चाहती हूँ मैं। What? पागल हो गई आप? अरे लोग दिल टूटने पर जान नहीं देते, और आप एक कांच का फ्रेम टूटने पर जान देने जा रही हैं। आप नहीं समझते, बात फ्रेम की नहीं है। ओके, देन यू मस्ट बी फेसिंग अ टिपिकल देसी प्रॉब्लम। लेट मी गेस, हाँ तुमने अपने घर वालों से कहा होगा कि तुम एग्जाम में कम से कम 80% मार्क लेकर आओगी, और तुम हो गई फेल। अब तुम सोच रहे हो कि मैं घर वालों को कैसे मुंह दिखाऊं, राइट? नहीं तो फिर ये बात कहूंगा जो 100% करेक्ट होगी। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी किसी अमीर बाप के बदसूरत बेटे से कर दी, और तुम्हें लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, यही बात है ना? ये भी नहीं है? तब तो ये डेफिनेटली प्यार का चक्कर है। तुमने किसी लड़के से प्यार किया और उसने तुम्हें शर्मिला, मुझे भूल जाओ। जिंदगी में मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, और ना ही तुम मुझसे मिलने की कभी कोशिश करना, अजय। ओ, तो इश्क में फेल हो गई हैं आप। अरे जिस लड़के में तुमसे फेस टू फेस बात करने की ताकत नहीं है, जिसने कागज के टुकड़े पर यह लिखकर भेज दिया, तुम उसके लिए जान देने जा रही हो? मैं तो कहता हूँ कि अपने माँ बाप की पसंद का कोई लड़का चुनो और शादी कर लो उससे। लेकिन जब मेरे माँ बाप को, अरे तुम्हारे माँ बाप को कैसे पता लगेगा अगर तुम उनको बताओगी नहीं? कुछ दिनों में उन्हें पता लगना ही है। कैसे? मैं माँ बनने वाली हूँ। देखो कसूर तो उसका है जो तुम्हें धोखा देकर चला गया, मगर उसकी गलती की सजा तुम उस मासूम को क्यों देना चाहती हो जो तुम्हारे पेट में पल रहा है? तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? तुम जाकर अपने माँ बाप से सच सच बताओ ना, वो तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, उनका गुस्सा बहुत तेज है,
उन्हें अपनी इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर है। वो पहले मुझे मार देंगे, फिर अपने आप को। उन्हीं के डर से हम लोगों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। दूसरा कोई रास्ता नहीं। रास्ता है, तुम किसी को झूठा पति बनाकर अपने घर ले जाओ, वो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर में रहे और बाद में तुम्हें छोड़कर भाग जाए। सभी उसी को भला बुरा कहेंगे, लेकिन तुम्हें घर मिल जाएगा और तुम्हारे बच्चे को परिवार। सलाह देना आसान है, मगर ऐसा कौन है जो मेरी मदद करेगा? अरे तुम ढूंढो तो सही, कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। क्या तुम करोगे? मैं? ओके, लेट्स गो। ये जो आप खेत देख रहे हैं ना, yeah. ये सब हमारे हैं। हो वाओ, कूल। घर में माँ है, yeah, yeah. दादाजी हैं, दादी हैं, सब अच्छे हैं। पिताजी भी बहुत अच्छे हैं, बस सिर्फ उनका गुस्सा थोड़ा तेज है। द ओल्ड एंग्री यंग मैन। डाकू आ गए। अरे आपने बताया नहीं, आपके गांव में अभी भी डाकू है। You never told me still the dakus are there in your village. अपना डाकू भाई साहब, ये चंबल छोड़कर हमें अपने चुंगल में फंसाने के लिए क्यों आ गए भाई? ए, हमारे ठाकुर साहब को डाकू बोलता है? ओके, ये ठाकुर साहब है, शिकार करने निकले। माँ आपकी जगह ठाकुर साहब वो दिन फाकता हो गए जब बेजुबान जानवरों का शिकार हुआ करता था। अगर ये चिड़िया भी मारी ना आपने तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा। अंदर हो जाएंगे आप। राजू ये क्या कर रहे हो? What can you do? ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? तुम मुझे गोली मारोगे? Come on, come on, hit me, come on, come on. राजू ये मेरे पिताजी हैं। Okay. All right. Daddy, मेरे अच्छे डैडी, बेजुबान जानवरों का शिकार मत कीजिए, उससे आपको सजा हो सकती है। कौन है ये? जी, ये मेरे पति हैं। श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उमा देवी, माँ आइए आइए, देखिए आपकी लाडली क्या तोहफा लेकर आई है। क्या बात है, क्या हुआ बेटा? आपकी बेटी ने बिना माचिस की तीली जलाए हमारे खानदान की इज्जत को आग लगा दी। ऐसा क्या किया है इस बच्ची ने? आपकी पोती श्रीमती बनकर आई है। हर लड़की मायके में शादी करके ससुराल जाती है, लेकिन ये ससुराल में शादी करके मायके आई है। कूल 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 है। ए, ये इशारे क्या कर रहा है? सीधा खड़ा रहे। आप आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं? आशीर्वाद नहीं दीजिएगा? बेटी तूने तूने शादी कर ली और हमको कब? ये लड़का कौन है? ये तो यही बताएगा। क्यों बे, कौन है तू? नाम क्या है तेरा? जी राजू। राजू तो ऐसे कह रहे हो जैसे राजकुमार हो कहीं के, प्रिंस हो। काम क्या करते हो? जी मैं फास्ट फूड चलाता हूँ। वड़ा पाव का? वड़ा पाव का नहीं। तो भजिया तलते होगे, इडली सांभर बेचते होगे। मेन्यू बदलने से हैसियत नहीं बदलती। अरे इसको भी तो कुछ बोलने दे ना। इसकी हैसियत क्या है मेरे सामने बोलने की? मैंने सोचा था बेटी पढ़ लिख कर डिग्री लेकर आएगी, लेकिन ये लेकर आई है। तो क्या बुरा किया? तू चुप रह। आप क्यों चुप खड़े हैं? आप क्यों नहीं बोलते कि जो इसने किया है वो गलत किया कि नहीं? हाँ गलत तो किया है, लेकिन लेकिन क्या? वो अब बेटी ने उसको पति मान लिया तो तू भी मान लेना। आप इसे शर्मिला का पति मानिए, लेकिन मैं इसे अपना दामाद कभी नहीं मानूंगा। तू डर मत, मैं हूं। मत रो बेटी, तू तो जानती है तेरा बाप कितना गुस्से वाला और जिद्दी है। उसके सामने मेरी तो क्या, उसके बाप की भी हिम्मत नहीं होती है बोलने की। मैं उनकी बेटी हूं, उन्हें जो कुछ भी कहना था मुझे कहते, लेकिन राजू को इस तरह से बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। बेटा उनका गुस्सा भी जायज है, बेटी के पैदा होने पर माँ को जितनी खुशी होती है उससे कहीं ज्यादा खुशी बाप को होती है उसको विदा करके। ये हक तो तूने उनका छीन लिया ना, तो थोड़े से नाराज होंगे ही। चल खाना लग गया है, जाके राजू को बुला। जा। बैठो 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 बैठो
भाई आज मैं सुबह टहलने के लिए बाहर निकला था तो गांव वाले ने कहा कि ठाकुर साहब सुना है आपकी पोती की शादी हो गई। मैंने कहा हाँ भाई, लड़का लड़की साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों में प्यार हुआ, फिर शादी कर ली। इसकी औकात कॉलेज में पढ़ने की नहीं, कैंटीन चलाने की है। शर्मिला बेटी, तुम एक बार अपने दादाजी को बता दो कि तुम्हारी शादी कैसे हुई थी, नहीं तो रोज एक नई कहानी सुना सुना कर लोगों को परेशान कर देंगे। बेटा तुम ही बताओ, तुमने शर्मिला को पहली बार कहाँ देखा था? जब यह ट्रैक पे थी, कूद रही थी। इनका मतलब है कि मैं कॉलेज में रस्सी कूद रही थी। या या तुम लोग पहली बार कहाँ मिले थे? नासिक। पुना? नासिक में? पुना। या 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 यो या या पुना। जगह जरूरी नहीं है, कब मिले थे? मैं जून। जून? ए ओए, या या जून, या या वो धीमी धीमी बारिश हो रही थी। कुछ नहीं कुछ नहीं, ये क्या बार बार इंटरव्यू ले रहे हैं, इनका कहीं भी मिले होंगे। भाई इसकी हमारी पोती से शादी हुई हमें तो पता है, मगर इसके भी तो माँ बाप का पता चलना चाहिए। जी मेरे माँ बाप नहीं है। कहाँ बड़े हुए? अनाथ आश्रम में। सुना सुना आपने, ये है इसकी असलियत। इसकी जिंदगी अनाथ आश्रम में शुरू हुई और भजिया तलते हुए कैंटीन में खत्म हो जाएगी। कितनी शान से आप अपने खानदान का 400 साल का इतिहास बताते रहे हैं कि आपके पिताजी ने कॉलेज बनवाया, दादा ने अस्पताल बनवाया, दादा के दादा जमींदार थे, उन्होंने 5 नहरें 20 कुएं बनवाए, अब ये आए हैं इन्होंने कैंटीन बनाई है। क्या सोचकर तुमने मेरी बेटी से शादी की? अरे अपनी हैसियत तो देखी होती, समंदर में नदियां मिलती हैं, छोटे छोटे कुएं नहीं। ससुर जी, समंदर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, और कुआं कितना ही छोटा क्यों ना हो, प्यास बुझाने के लिए कुएं के पानी की ही जरूरत पड़ती है। शट अप! आपको मेरी वजह से काफी बेइज्जती सहनी पड़ रही है ना? आओ बैठो तो सही, आओ। बड़ों के डांटने से छोटों की बेइज्जती नहीं होती है, उनकी डांट में तो कहीं ना कहीं प्यार छुपा होता है। और तुम जरा सोचो, भगवान ने सुनने के लिए कान ही देना था तो क्या उसके लिए एक कान काफी नहीं था? उसने 2 कान क्यों दिए? एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने के लिए। हाँ एक जरूरी बात, हम दोनों की प्यार की कहानी एक होनी चाहिए, वरना पता चल तुम कुछ और बोल रही हो, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, दोनों फंस जाएंगे। तो कहानी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी मेरी मुलाकात मेरे अनाथ आश्रम में हो गई, मुलाकात प्यार में बदल गई, और फिर मैं पैसा कमाने के लिए न्यूजीलैंड चला गया, और न्यूजीलैंड से जब पैसा कमाकर लौटा तो तुम्हारे डैडी के डर से हम लोगों दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। ओके ओके ना, कूल रिलैक्स। हाँ बेटा। हाँ दादाजी। आप? बेटा मैं बलराज की गलती की माफी मांगने आया हूँ, हमारे यहाँ तो मेहमान को भी भगवान मानते हैं और उसने अपने दामाद के साथ ऐसा बर्ताव किया, बेटा मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा दादाजी एक बात बताइए, आपके ये जो बेटे हैं, मतलब तेरा ससुर, या ये पिछली बार कब फंसे थे? पिछली बार नहीं, मतलब कितने साल हो गए इस बात को? तुझे याद है? नहीं याद नहीं है। इनका क्या एक ही फिक्स एक्सप्रेशन है, गुस्सा। अरे तो उसके बदले मैं हंसता हूँ ना। ये दो बिस्तर अलग क्यों? वो दरअसल क्या है ना दादाजी, कि जब मैं बिस्तर पर सोता हूँ तो मेरी पीठ में दर्द हो जाता है, और जब ये जमीन पर सोती है तो इसकी पीठ में दर्द हो जाता है, इसलिए मैं जमीन पर सोता हूँ और ये बिस्तर पर सोती है। झूठ बोल रहा है ना? हैं? मुझसे झूठ बोल रहा है? दोनों में झगड़ा हो गया ना, वो भी इसके बाप की वजह से। अरे कैसा ससुर है कि अपनी बेटी और दामाद के बीच में झगड़ा लगाता है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको आज ठीक करके रखूंगा। अरे नहीं नहीं दादाजी, ऐसा मत। एक तू आज मैं उसको समझाऊंगा कि वो मेरा बाप नहीं, मैं उसका बाप हूँ। देख तू आज मैं क्या करता हूँ दादाजी। बलराज कहाँ है तू? जी कहिए। वो बोलिए ना, क्या बात है? मैं तुझे गुड नाइट कहना भूल गया था। गुड नाइट।
सकते हैं। माँ, दादी, दादाजी, डैडी, हे शर्मिला, शर्मिला, दीदी आप? अरे लक्ष्मी, सब लोग कहाँ गए? कोई नजर ही नहीं आ रहे। सब लोग मंदिर गए हुए हैं। मंदिर? मंदिर क्यों? शर्मिला दीदी ने शादी कर ली ना, उनको और उनके पति को लेकर मंदिर गए। शर्मिला ने शादी कर ली? ये हमारे पुरखों का बनाया हुआ मंदिर है। जब भी हमारे यहाँ शादी होती है, वर वधु को यही दर्शन करने ले आते हैं। नमस्कार। ये शर्मिला के पति राजू। अच्छा, पूजा शुरू करवाऊं? जी बिल्कुल। ये चलिए। आई आई ओ दुनिया। उधर नहीं, इधर। रखवाले, गलत जा रहा था। तू कब आई? सब बताऊंगी, सब बताऊंगी। पहले ये बताओ, शर्मिला और जीजू कहाँ हैं? वहाँ। आप नंदी पर हाथ रखकर शिव जी के दर्शन कीजिए। महादेव, महादेव। भगवान के दर्शन हुए? जी नहीं, देवी के दर्शन हुए। देवी के? राजू बेटा, ये शर्मिला की छोटी बहन है उर्मिला, और ये राजू शर्मिला का पति यानी तेरा जीजा। नमस्ते जी चाची। अरे क्या कर रहे हो? नंदी को प्रणाम कर रहा हूँ। नंदी जी बचा लीजिए, नंदी जी बचा लीजिए। आपने? अबे गधे, मैंने नहीं, घोड़े ने गिराया तुम्हें। डैड आपको मालूम है ना, उस घोड़े की आदत है कि सीटी की आवाज सुनते ही जो उसे बैठा होता है वो उसे गिरा देता है। फिर भी आपने सीटी। ठीक है ठीक है, वो बलराज है ना बलराज, उसकी छोटी बेटी उर्मिला न्यूजीलैंड से वापस आ गई है। तो मैं क्या करूं डैड? अबे गधे, तेरी शादी शर्मिला के साथ नहीं हुई तो क्या हुआ? कम से कम उर्मिला के साथ तो हो सकती है। नहीं डैड, मेरी शादी शर्मिला से तय हुई थी, लेकिन उसकी शादी कहीं और हो गई। मैं उस खानदान में शादी नहीं करूंगा, दिस इज फाइनल। अबे कभी तो अकल का इस्तेमाल किया कर। अरे मैं शर्मिला उर्मिला से मतलब ही क्या है? हमें मतलब है बलराज की दौलत से, समझा? जल्दी से तैयार हो जा, मैं बलराज से तेरे और उर्मिला की शादी की बात करता हूँ। डैड यू आर रियली स्मार्ट। शट अप। बाय जी। जरा एक कप चाय लेके आना जरा। जी अच्छा। उर्मिला ये क्या है? हाँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? आपको मुझसे क्या बात करनी है जीजा जी? अरे आई एम नॉट योर जीजा यार, मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ। आई एम नॉट जीजा। बहन के पति को जीजा जी कहेंगे ना, जीजा जी। अरे भाई जीजा साले में क्या बातें हो रही है? ओ, आपको भी अभी आना था। क्या मतलब? नहीं मैं उसको पर्सनल बात कर रहा था ना मैं। अच्छा। नहीं मैं उसे पूछ रहा था कि तुम न्यूजीलैंड गई थी, तुमको कोई लड़का वड़का दिखाया तो मुझे बताओ, वरना ऐसा नहीं हो कहीं मेरी तरह प्रॉब्लम में आ जाओगी। वो जा रही है, एक मिनट में समझाता हूँ, भाग जाएगी वरना। क्यों मेरे पीछे पड़े हो राजू, जबकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। उर्मिला, उर्मिला, उर्मिला। चलिए नाश्ता कर लीजिए। हाँ जाइए नाश्ता कर लीजिए जी चाची। नहीं मुझे भूख नहीं है।
मैं जानती हूँ इतने ताने सुनने के बाद कैसे भूख लग सकती है। तुम हर बात को इतना सीरियसली क्यों ले लेती हो? तुम्हें ऐसा देखकर तुम्हारे डैडी भी चिड़े हुए रहते हैं। तुम मुस्कुराओगी तो कम से कम उनको ऐसा लगेगा मेरी बेटी तो खुश है। जाओ जाकर नाश्ता करो। तुम नाश्ता करोगी तो मुझे ऐसा लगेगा मैंने खाना खा लिया। ओके ओह नो, ये जहरीला स्प्रे कहाँ लेके जा रही हो? नो उर्मिला, नो नो उर्मिला, देखो नहीं नहीं उर्मिला 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 उर्मिला, ओह माय गॉड उर्मिला उर्मिला, पूरा घर इकट्ठा हो जाएगा। उर्मिला तुम्हारा खड़ूस बाप आ जाएगा। अरे प्लीज प्लीज उर्मिला 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 उर्मिला, दरवाजा खोलो उर्मिला, दरवाजा खोलो। तुम्हें मेरी जान के किसी में अपनी जान मत देना। एंड लिसन, अगर मेरी बात सुने बगैर तुमने कुछ कर लिया ना तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। मत करो उर्मिला, ऐसा मत कर उर्मिला। हेलो ओके 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 ओके, तुमने भगाओ स्प्रे तो नहीं पी लिया? उर्मिला 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 उर्मिला, मैं कॉकरोच मार रही थी, तुम्हारी जैसे आदमी के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। तो फिर जीजा जी बोल के मेरी जान क्यों ले रही हो? डैडी, वो जीजा जी फिसल गए। जो इंसान दो कदम नहीं चल सकता, मेरी बेटी ने उसके साथ जिंदगी भर चलने का फैसला किया है। स्प्रे मार दूंगा मच्छर। बलराज क्या है? अरे कुछ लोग आए हैं, मेहमान है, तेरे नाराज क्यों हो रहा है यार? अरे मुबारक हो बलराज जी, मुबारक हो। आइए आइए आइए, मुबारक हो। मुबारक हो। जब हमने सुना कि आपकी बड़ी बेटी की शादी हो गई तो सोचा आपको मुबारकबाद दे आए। शादी कब हुई पता ही नहीं चला। पता तो हमें भी नहीं चला। क्या है, आज जमाना बहुत तेज हो गया है ना, आज प्यार हुआ कल शादी हो गई, कहाँ पता चलता है। आपके दामाद कहाँ है, जरा उनसे तो मिलवाइए। यही है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो, ये आ गया हमारा दामाद। आ बेटा। वैसे आपके दामाद करते क्या है? वो जो भजिया होते हैं ना, वो खाएंगे आप? बहुत ज्यादा बोलते हैं। अच्छा बेटा, इनसे मिलो, ये यहाँ की बहुत बड़ी हस्ती हैं, मनमोहन सिंह जी, और ये उनके बेटे। बैठ बैठ बैठ। वैसे तो बलराज जी की बड़ी बेटी से मेरे बेटे की बात पक्की हो गई थी, लेकिन उसने तुमसे शादी कर ली बेटे। अब ठाकुर साहब, मेरी ख्वाहिश यह है कि उर्मिला के साथ मेरे बेटे की शादी हो जाए। आप बलराज से बात कीजिए, मुझे क्या एतराज हो सकता है? नहीं नहीं, मुझे एतराज है ना। क्यों नहीं, मेरा मतलब है कि शर्मिला ने अपनी मर्जी से शादी की है तो उर्मिला भी अपनी मर्जी से शादी करेगी। नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे थोड़ी किसी अरे घर से शादी कर लेगी। मुझे किसके साथ शादी करनी है इसका फैसला मैं खुद करूंगी। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, और अगर पूछना भी है तो मैं अपने घर वालों से पूछूंगी। क्यों जीजा जी, कम ऑन इंदर, यहाँ बहुत गर्मी है, कम ऑन। श्योर, कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं है। पता है इंदर, ये मेरा सबसे प्यारा घोड़ा है, गोल्डी। हाय गोल्डी। क्या हुई? बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। प्यारी नहीं, प्यारा है, घोड़ी नहीं घोड़ा है। क्या रे, घोड़े की आड़ में गोरी को ताड़ रहा है? आप यहाँ क्यों आए हैं जीजा जी? क्या है कि तुम्हें गधे और घोड़े में फर्क नहीं मालूम है ना, तो दिखाने के लिए आया हूँ। मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत कर रहा। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। क्यों, तू अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है? तो चल हो जाए, दो हाथ। एक से काम नहीं चलेगा। हाँ, तुझको तो मैं एक में निपटा दूंगा। Come on in there, come on in there, come on, come on, yes, yes, come on. हाथ मार, चल हाथ मार, come on, come on, hit me hard, hit me hard, okay, okay, all right, hey, oh, oh, now come on, now come on, you keep the hand, हाथ ले, कहीं भी रख, किधर कहीं, मुंह पे रख, मुंह पे, okay, मुंह पे रख, one, okay, all right, okay, come on, yeah, अरे क्या हुआ, रो क्यों रहा है तू? डैडी, इसने मुझे घुसा मारा। अंकल हम लोग दो दो हाथ खेल रहे थे, मैंने से एक हाथ क्या मारा, ये बच्चों की तरह। एक मिनट मुझे समझाओ क्या हुआ। तू बता। इसने बोला मुंह पर हाथ रखो, मैंने कहा सूस मी, मैंने मुंह पर ऐसे हाथ रख लिया। मैंने से हाथ मारा, इसने हाथ डाले, ये बता कैसे? यही तो हुआ, ऐसे एकदम। डैडी इसने मुझे फिर मारा। शट अप, अब बात समझ में आई। अब तू हाथ रखेगा, मेरा बेटा मारेगा। ठीक है, दीवार का है। नहीं 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 नहीं, तू चेहरे पे हाथ रखेगा, मेरा बेटा मारेगा। ओके, सूट्स मी, ओके, हिट मी हार्ड। आदमी के पास ताकत के साथ साथ दिमाग का होना बहुत जरूरी है, और जिसके पास दोनों चीजें होती हैं उसे कहते हैं कंप्लीट मैन। आई थिंक इज राइट। क्या सोच रही हो इतना? कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, बच्चों से बड़े होने तक हम साथ खेले, एक दूसरे से हर बात शेयर की, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताया कैसी? नहीं
मैंने सोचा जब तुम आ जाओगी तब बता दूंगी। अच्छा ये बताओ तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई और प्यार कैसे हुआ? इनके अनाथ आश्रम में हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात प्यार में बदल गई। फिर ये न्यूजीलैंड गए, कुछ दिन पहले ही लौटे हैं। पिताजी के डर से हमने मंदिर में शादी कर ली। चलो तुम जिससे प्यार करती हो वो तुम्हें मिल तो गया, वरना आजकल लोग तो प्यार में धोखा ही देते हैं। क्या बातें हो रही हैं? जी कुछ नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोग मेरी बात कर रही थी। हाँ ये मुझसे शिकायत कर रही अच्छा? थी कि मैंने हमारे बारे में इसे कुछ नहीं बताया। अगर बता दिया होता तो हम दोनों का मिलन कैसे होता? मेरा मतलब है कि ये डैडी को बता देती और डैडी हम दोनों की शादी ही नहीं होने देते। लेकिन न्यूजीलैंड में आपसे मिल तो लेती, आपको समझ तो लेती। अब तो जिंदगी भर का साथ है, समझती रहना उर्मिला। चीचा जी बहन का मामला है ना, इसलिए डर लगता है। वैसे मैं कुछ ऐसे इंडियंस को भी जानती हूँ जो यहाँ पर भी शादी कर लेते हैं और वहाँ पर भी कुंवारा बनकर लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं। उर्मिला ये उनमें से नहीं है, ये तो वहाँ जाकर भी मुझे रोज फोन किया करते थे है ना? अच्छा प्यार करता हूँ ना? हाँ। हम जिससे प्यार करते हैं उसका हाथ जिंदगी पर कभी नहीं छोड़ते, आप देखते रहिएगा आपको तो पता चल ही जाएगा। वो तो मुझे पता चल ही रहा है। एनीवे अब मैं चलती हूँ, दो प्यार करने वालों के बीच काफी देर से दीवार बनी हुई हूँ। गुड नाइट चीचा जी। ओके गले। मैंने ठीक ही किया ना? ना कुछ ज्यादा तो नहीं बोला? नहीं अब तो उसे यकीन हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे भी यकीन हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। कहाँ सोई होगी, कहाँ सोई होगी उर्मिला? उर्मिला, ए उर्मिला, हे बाबू छोड़ ही नहीं रही थी। क्या पानी? ये लीजिए। ये देखिए जिसे आप दामाद दामाद कहते हैं नौकरानी के चक्कर में है। अरे क्या बात करता है, ये बेचारा होश में नहीं है, नींद में चल रहा है। ये देखो होश में गिरता है नींद में चलता है, मेरा बस नहीं चलता वरना। अरे ए होश में आ रहे ए बेटा काम कर, इसे जरा कमरे तक छोड़ कर आ। मैं हां वरना टकरा के कहीं गिर जाएगा। गिर जाएगा उर्मिला, उर्मिला मेरी बात सुनो। ओह माय गॉड दिस इज सो मच। आई लव यू उर्मिला। उर्मिला मेरी बात सुनो। उर्मिला उर्मिला मेरी उर्मिला मेरी बात सुनो। उर्मिला हेलो मान भी जा अब हाल जिया
जान भी जा, और मेरी चमक छलो मान भी जा, अब हाल जिया का जान भी जा, इकरार कर मुझे प्यार कर, मन कहना मेरा, तररम तररम तारा तररम 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 तारा तररम तररम मेरी बात सुन लो, सारे तुम्हारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। हाँ छोड़ो मेरा, किसी ने देख लिया तो। उर्मिला उर्मिला, मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। तुमको गलतफहमी हो गई है भाई। अरे मैं तो यहाँ भलाई करने के लिए आया था, ऊपर से यहाँ फंस भी गया। अरे उर्मिला, अगर कहीं हमारे बारे में शर्मिला को पता चला कितनी तकलीफ होगी उसे, इसीलिए मैं शादी करके इस घर से ही जा रही हूँ। उर्मिला उर्मिला मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनो। अरे उर्मिला, मैं शर्मिला का पति नहीं हूँ, शर्मिला से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर तू शर्मिला का पति नहीं है तो उर्मिला से तेरा क्या रिश्ता है? दादाजी समझ गया, ये तू है जी, ये उर्मिला है जी, ये शर्मिला है जी,
तू उर्मिला से प्यार करता है जी हाँ। और शर्मिला का पति बन के घर में आ गया है जी। तो उर्मिला का दिल टूट गया जी। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे आपके लिए कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है दादाजी, आप घर के बड़े हैं, अगर आप अपने बेटे को समझाएंगे तो क्या आपकी बात नहीं मानेंगे? मैं समझाऊं पिटवाएगा क्या मुझको? अरे नहीं बाबा। दादाजी आप अपने बेटे से डरते हैं? अरे मैं उससे नहीं डरता बाबा, उसके बाद जो बड़ी बंदूक उससे डर लगता है मेरे को। बड़ी शर्म की बात है, वो आपके बेटे हैं, अगर आप जाकर उनको सच बोलेंगे तो वो क्या आपको गोली मार देंगे? अरे भाई वो मेरा बेटा है मुझको मालूम है, मैं उसका बाप हूँ उसको मालूम है, मगर कौन किसका बेटा है कौन किसका बाप है ये बंदूक को थोड़ी मालूम है। कभी चल गई तो खामखा ऊपर चला जाऊंगा मैं, नहीं मुझसे नहीं होगा ये। सर आपका नाम क्या? विश्वनाथ प्रताप सिंह। सिंह, सिंह का मतलब मालूम है आपको? हाँ। शेर, बबर शेर। सर्कस के शेर है आप, चाबुक पड़ने पर सलाम मारने वाले। अगर आप असली शेर है ना तो जाकर बोल दीजिए उस गिद्ध से कि इस घर के बॉस आप है, यू आर द होल एंड सोल ऑफ दिस हाउस। देख तुम मेरा चढ़ा रहे हैं? मैं चढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। एक चिंगाड़ मारूंगा पूरा तंबू खाट डालूंगा। तो गिरा दीजिए ना तंबू। गिराऊं? हाँ। नमूना दिखाऊं? दिखाइए। बलराज, 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 ए बलराज, बलराज। ये क्यों चीख रहे हैं इतनी रात को? क्या बात है? सुनाई नहीं दे रहा, मैं आवाज दे रहा हूँ, जल्दी आओ। क्या बात है? नजरें नीचे करके बात कर। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं करूंगा। अब एक शब्द भी ऊंचे सुर में निकाला ना तो खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दूंगा। नशे में तो नहीं है आप? था, आज होश में आया हूँ। जब देखो खानदान मर्तबा रुतबा इसी की बात करता है, इंसानों की कोई परवाह नहीं है तुझको। तुझको पता है तेरी वजह से राजू की जिंदगी बर्बाद हो रही है। साफ साफ कहिए क्या बात है? साफ साफ कहूं, उर्मिला राजू से प्यार करती है। होश से काम लीजिए, राजू शर्मिला का पति है। नहीं, शर्मिला का पति कोई और है, वो उसको धोखा देकर भाग गया, वो आत्महत्या करने जा रही थी, राजू ने बचाया उसको, और तेरे डर से वो उसको झूठ मूठ का पति बनाकर इस घर में लेकर आई है। सच्चाई ये है। शर्मिला, पिताजी जो कह रहे हैं क्या वो सच है? शर्मिला जी। देख लिया, अब फैसला मैं करूंगा। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, इस घर का मालिक, तेरा बाप। मैं उर्मिला का हाथ राजू के हाथ में दूंगा। उर्मिला नीचे आओ। आओ बेटे। अरे मैं हूं ना, आओ। अरे मैं खड़ा हूं। आजा चल मेरे साथ राजू। चल बेटे। बारा ये ले सामान। खुश? यस 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 यस। मिला दिया, मैंने मिला दिया। ओ मैंने। अरे दादाजी यूं ही सपनों में ही मिलाते रहेंगे कि हकीकत में भी मिलाएंगे? अरे उर्मिला कहाँ है? अंदर है। अंदर? अभी तो मैंने तुम दोनों को मिलाया था ना। सपने में दादाजी, हकीकत में नहीं। अरे यार तो फिर हकीकत में भी कल ही मिला सकता हूँ। अरे नहीं 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 दादाजी, ऐसा मत कीजिए। बरसों बाद सोया हुआ शेर तो जागा, आज आज छोड़ेंगे नहीं। कमाल है इसको दादाजी, आप आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अच्छा तू आना। हाँ बिल्कुल, हिला डालेंगे। अरे हिला डालेंगे, फाड़ेंगे। चलिए देखते। बलराज, बलराज, ए बलराज, बलराज, क्यों चिल्ला रहे हैं इतनी रात को? वो मैं, मुझे खाना खाना है। खाना खाना है? नहीं, वो
हाँ माँ, मुझे बात बात करनी है। बात क्या बात करनी है? वो शादी सेहरा। हाँ वो मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं। बाल कहाँ से लंबे हो गए? ऐसा माथा पीट लिया देखो उसने। किसने? नहीं नहीं वो चला गया। क्या? नहीं आप वापिस आ गया। ऐसे करता है देखो। क्या हो गया आपको? नहीं वो मैं हाँ मुझे तुड़ी बजानी है। क्या कर रहे हैं आप? अरे शादी नहीं वो माला पहनानी है। नहीं शादी की बात करनी है। किसकी शादी की? मेरी शादी की और किसकी? क्या अब मेरा दिमाग काम नहीं करता। मुझे ले चलो। रामू रामू उर्मिला की शादी तय करने से पहले एक बार उसकी राय पूछ ली होती तो बेहतर था। मैंने अपना फैसला सुनाया है, आपकी राय नहीं मांगी। किसके रिश्ते की बात हो रही है? तुम्हारे और इंदर के रिश्ते की बात। ध्यान से सुन लो बेटी, तुम्हारी हाँ या ना से मेरा फैसला नहीं बदल सकता। नो, 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 नो। ना करने का तो सवाल ही नहीं है डैडी। ओ, आपने अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला सोच समझ कर ही किया होगा। उर्मिला ये क्या है? ये तुम क्या कर रही हो? किससे शादी कर रही हो? क्यों, उसमें क्या बुराई है? नहीं उसमें बुराई नहीं है मगर कोई अच्छाई भी नहीं है। अच्छाई तो तुम में भी नहीं है। उसके पास घर है, दौलत है, इज्जत है और सबसे बड़ी चीज उसके पास खानदान है। नहीं ससुर जी आप मेरी बात समझे नहीं है। मेरा मतलब है कि उर्मिला का और उसका मेल नहीं है आपस में। मेल तो तुम्हारा और शर्मिला का भी नहीं है। आज के बाद तुम इस घर में दखल नहीं दोगे। ये तुम्हारे घर का नहीं मेरे दिल का मामला है बुड्ढे। ये कहाँ गई साली? क्रिसमस पे क्रिसमस मरे जस्ता निकाइम। दादाजी। हाँ बेटा। ये पुतला देख रहे हैं पीछे पुतला? हाँ? ये पुतला है ना दादाजी। हाँ? इसको हटाइए और खुद खड़े हो जाइए ना। कम से कम चिड़िया और कौवों को डराने के काम आएंगे आप। वैसे तो आपसे कोई डरता नहीं है। ए, इज्जत से बात कर। इज्जत देने का मौका कहाँ दिया आपने? मैं तो सोचता था कि आप घर के बड़े बूढ़े हैं मगर आप तो सिर्फ बूढ़े निकले। बड़े तो आप है ही नहीं। आप तू मुझे ललकार रहा है? ललकार नहीं रहा हूँ मैं, आपको धुतकार रहा हूँ। बोला? आप समझने की कोशिश कीजिए ना दादाजी। अच्छा आपने अपना नाम क्या बताया था? क्या नाम? मेरा नाम भूल गया पत्थर की। हाँ, कुछ सिंह सिंह है ना वो कुछ सिंह सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। सिंह का मतलब शेर होता है, जंगल का शेर। मगर आप ऐसे सर्कस के शेर कैसे निकले कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा अब देख मैं क्या करता हूँ। नहीं कुछ करने की जरूरत। अरे तू देख मैं क्या करता हूँ। यू कैन नॉट। कैन नॉट? यू कैन नॉट। जाने दे। अरे नहीं मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे नहीं आप कर सकते। बूढ़ा हो गया हूं। अरे आप बूढ़ा नहीं हो। मैं तो सर्कस का शेर हूं ना भाई। अरे नहीं नहीं आई गिव यू चांस। आई गिव यू चांस। तू मेरे को चांस दे रहा है? तेरी तो। दादाजी कुछ कीजिए ना। हां बेटी। दादाजी आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? बेटी तुझे कहानी सुनानी है। कहानी? एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे। एक दिन लड़के ने देखा कि कोई और लड़की खुदकुशी करने जा रही है। लड़के ने उसे बचाया, उसे खुदकुशी का कारण पूछा। उसने कहा मैं जिस लड़के से प्यार करती हूं उसने मुझे धोखा दिया। मैं घर वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। उसे दया आ गई। उसका नकली पति बनकर उसके घर गया मगर इत्तेफाक देखो यह घर उसी लड़की का निकला जिससे वो खुद प्यार करता था। ये लड़की उस लड़की की बड़ी बहन निकली। दादाजी ये कहानी कुछ सुनी सुनाई से लगती है। सुनी सुनाई से नहीं देखी दिखाई से लगती है। क्योंकि वो लड़का मैं हूँ, वो प्यार तुम हो और वो लड़की तुम्हारी बहन शर्मिला है। हाँ बेटी ये सच है। ये बेचारा तो सिर्फ मदद करने आया था। अरे शर्म करो मैं सामने खड़ा हूँ। दादाजी डोंट पुट मी इनटू फॉर्मेलिटीज नाउ। इतने दिनों के बाद तो गले लग रहा हूँ यार। तो क्या मुझसे शर्माएगा नहीं? देखिए दादाजी पोस्टमैन का काम होता है चिट्ठी दे और जाए अपना। मैं पोस्टमैन हूँ तो मैं चिट्ठी ले जा रहा हूँ। अरे ऐसा मत कीजिए ना दादाजी। ठीक है मैं मुंह फिरा लेता हूँ। क्या बेशर्मी है यार। राजू हो गया। मैंने हो रहा है। क्या मुसीबत? ये लड़की जवान हो गई मुझ पे मेहरबान हो गई
ये लड़की जवान हो गई, मुझ पे मेहरबान हो गई, हर कोई चाहता है इसे, हर कोई चाहता है इसे, दिल वालों की जान हो गई, दिल वालों की जान हो गई। लिसन वॉचमैन, सॉरी हम किस अनपढ़ से बात कर रहे हैं, तुम शायद आपको जानता नहीं होगा, चौकीदार। क्या कहा? चौकीदार? तो क्या शानदार बंगले का मालिक हूँ तुमको? तुम कौन हो? ओ, तुम्हारी ये औकात तुम्हारा इंट्रोडक्शन लेगा है? हम राजा का दोस्त, किधर राजा? वो गया जानू में। तुम दो कौड़ी का आदमी अपने मालिक के लिए ऐसा बोलता है? ठहरो, उसको बोल के तुम्हें नौकरी से निकलवा देता हूँ अभी। और मैं तुम्हें इस दुनिया से ही निकाल देता हूँ। अबे गोपाल, अबे तू यहाँ क्यों आ गया? अरे तुमने मना किया था ना? अरे यार पागल, तो बता मेरे को यार। ए छजूंदर, तू सामने आ। सामने क्यों? गोली खाने को? आज तू बचेगा नहीं। अरे ससुर जी, ये मेरा दोस्त है गोपाल, हम लोग न्यूजीलैंड में एक साथ काम करते थे। ये क्यों नहीं कहता कि साथ में भजिया तलते थे? गोपाल, गोपाल क्या हुआ बेटा? गोली की आवाज, गोली कैसे चली? ये देखिए, एक तो पहले से था, एक और आ गया। ये दोस्त है इसका, अब ये दोनों मिलकर यहाँ पाव भजिया इडली वड़ा बनाएंगे
और इस हवेली को कैंटीन बना देंगे। जो गांव वाले इस हवेली के पास से गुजरने को डरते थे वो यहाँ 2 रुपए में भजिया खाएंगे बैठकर। ये कैसा चौकीदार है? He is not चौकीदार, he is जमीदार man, he is my father-in-law, ससुरा। तूने इस डाकू की बेटी से शादी कर ली? अबे वो स्टोरी मैं तुझे बाद में बताऊंगा, आ मैं तुझे पहले दादी जी से मिलाता हूँ। दादी जी से। ये है मेरी सासू जी। ओ सासू जी, हमेशा ऐसी ही गलतियां करता रहता है। आ मैं तुझे तेरी भाभी से मिलाता हूँ। ओ भाभी से मिलाता हूँ, तुझे मैं भाभी को नहीं जानता। अबे यार गड़बड़ मत करना। ए बीवी है तो भाभी वो कैसे होगी? भाभी You forgot? I am. मैं मर गया था, भूत बन गया, फ्रिज में बैठा, बाहर निकला, खाना खाया, डांस किया। जेट लैग हो गया इसको, तबियत खराब है इसकी, तबियत खराब है इसकी, जेट लैग हो गया। मैं इसको अंदर ले जाता हूँ और उसको ठीक करता हूँ। अंदर अंदर आ जा तू, अंदर चल तू मेरे साथ अंदर। पता नहीं कौन है? इनके दोस्त हैं। ओह तुम जानती हो उसे? किस तरह से? अच्छा, ओह खाना बहुत अच्छा बना है। पसंद आया तुझे? बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिला है। तुझे पता है खाना किसने बनाया? किसने? हमने बनाया ससुर जी। बस आपको खाना पसंद आ जाए, हम दोनों की मेहनत सफल हो जाएगी। आप लोगों ने खाना बहुत अच्छा बनाया, मैं बहुत खुश हूँ। ये दोनों बांट लेना। अरे ये क्या कर रहे हो? ये हमारा दामाद है। ये टिप मैंने दामाद को नहीं, अच्छा खाना बनाने वाले खानसामा को दिए। अच्छा खाना तो मुगल होटल का खानसामा भी बनाता है, तो क्या उसे दामाद बनाकर घर ले आऊं? तूने 100 रुपए टिप दिए, खाना तो खा ले। कब सुधरेगा ये बड़ा उसाला? कहाँ सुधरेगा, नमक हराम। नमक हराम और क्या, मैंने खुद नमक डाला यार। हो पहले मालूम होता ना तो 7 किलो नमक डालता। इसके घर में तो इनकम टैक्स की रेड होनी चाहिए। उधर जाइए, कमरे की तलाशी लीजिए, वहाँ जितने जेवरात मिलेंगे उनको लेकर आइए। चलो जी। अच्छा आप लोग इधर जाइए, घोड़े के तबेले में घोड़ों का नाप ले लो, उसका नस्ल देखो, सारी रिपोर्ट बनाइए। चलिए। लेकिन है कौन आप? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, ठीक है? हैरान होने की कोई बात नहीं है। आप गले का जितना सामान है, चैन छोन कान का नाक का हाथ का उंगली का, सारा निकाल के इधर रख दो, घड़ी भी निकाल के रख दो। क्या हो रहा है ये? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? सरदार सिंह आलूवालिया इनकम टैक्स कमिश्नर समझे? नीचे के सुर में बात करो। मैं तो ऐसा रिपोर्ट लिखूंगा कि घोड़े पे बैठ के सुबह शाम इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाओगे, ठीक है? अच्छा घोड़े पे याद आ गया, घोड़े को क्या खिलाते तुम? घोड़ा घास खाता है और घास खेतों में उगता है। खेत कहाँ से लिए तुमने? खेत खानदानी है। खानदानी है? अच्छा तो ये गले पे हाथ मत डाल, नहीं तो गोली चला दूंगा। ओए आलू, ओए आलू वालिया, तू यहाँ कैसे? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है यार? इस आदमी ने बहुत माल छुपा के रखा है और ऊपर से टैक्स नहीं भरा है, और पता है एक इनकम टैक्स ऑफिसर को जान से मारने की धमकी दे रहा है, ये दोनों गवाह है। इसको तो आज मैं जेल भेज के रहूंगा। अरे मेरे ससुर जी है। कोई नहीं यार। हाँ यार। हैं? आप दामाद जी के दोस्त हैं, प्लीज बैठ जाइए ना, चाय वाय पीजिए। अरे दादी जी उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा दोस्त है। आलू आलू तू जा यहाँ से यार, ये पहले मुझ पर चिढ़ते हैं, ये मुझ पर और भड़कने लगेंगे। चिढ़ते हैं? मैं इसको एक शर्त पे छोड़ूंगा, अगर ये राजू से माफी मांग ले। आलू चुप कर तो, और माफी ना भी मांगे ना, दामाद कह के एक बार गले लगा ले तो मैं ठंडा हो जाऊंगा। बेटा बलराज सोच क्या रहे हो? दामाद बोल दो ना, गले लगा लो। सोचे मत, कह दीजिए ना प्लीज। बहुत अकड़ है इसमें, मैं सारी अकड़ निकाल दूंगा। आलू तू ज्यादा बोल रहा है। चुप कर यार, बोलने दे, आज मौका मिला है, नहीं तो हमेशा आंखें निकाल के डराता रहता है ये। उस दिन हमने इतने प्यार से खाना बनाया, इसने खान सामा कह के हमको टिप दे दिया। पहली बार जब मैं इधर आया मेरे पे गोली चला दी, मेरी जान जाती थी, मेरे बाप ने पाला। उसके बाद कहता है भजिया पाव बेचेंगे 2-2 रुपए में, समझ क्या रखा तुमने हमको? हैं? किधर गया, किधर गया? आप बार बार क्यों गोली चलाते हैं? मजाक भी नहीं, जरूर से थोड़ा जोक किया मैंने, जाता ना मैं। साला बुड्ढा सपने में भी डराता है, इतना पसीना निकाल दिया। हट, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था। ये कैसे सोच रहा था? क्या सोच रहा था? आपने अपने बेटे का मुंह बचपन में फेविकोल तो धुलवाया था क्या? क्यों?
उनका स्किन जम गया है, उनके चेहरे पर गुस्से के अलावा कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे ये पहला मौका में जो जिंदगी में कभी खुशी नहीं हुआ। हाँ। ऐसे कहो ना कि तुम मेरे बेटे से हार गए हो। अरे हार जीत की बात तो तब होती है जब लड़ाई होती है, यहाँ तो आमना सामना ही नहीं हो रहा है। अच्छा घोड़ा चला सकते हो? आप क्या अपने दामाद से टांगे चलवाओगे? हर साल हमारे गाँव में चैरियट रेस होती है और पिछले 3 साल से बलराज के दुश्मन पृथ्वी सिंह के घोड़े जीत रहे हैं और बलराज के घोड़े हार रहे हैं। अगर तू ये रेस जीत जाए तो समझ के मोगैम्बो खुश हुआ। अगर ये बात है ना दादाजी तो समझ लीजिए कि मोगैम्बो खुश हो गया। कहाँ है ससुर जी का घोड़ा? ये रहा। ये घोड़ा है? ओलो, 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 ओ, ओ, ओ। साला ला। ससुर जी का घोड़ा भी ससुरा बेलगाम है ना, वो काबू में आता है ना ये। इसकी ऐसी की तैसी। अरे भाई मेरा घोड़ा अंदर आया, तुमने देखा है कहीं? हाँ देखा है, इधर ही गया है। लेकिन तुम चले जाओ क्योंकि वो घोड़ा अब तुम्हें मिलेगा नहीं। मैं लगा नहीं बात करता है, मैं आपका राज है। शुक्रिया भैया, आप लोगों ने मेरा घोड़ा पकड़ लिया, वरना पता नहीं साला कहाँ कहाँ भागता फिरता। तुम ये घोड़ा नहीं ले जा सकते। क्या? क्योंकि हमारे फार्म पर आने के बाद घोड़ा तो क्या, इंसान भी बचकर वापस नहीं जा सकता। मैं तो जाऊंगा और घोड़ा भी लेके जाऊंगा। अच्छा बेटे, इस बदतमीज लड़के को भी घोड़ों के साथ बांध दो। अरे ऐसा मत करो यार, बगैर पीटे घोड़ा दे दो ना यार। घोड़ा मांगता है। घोड़ा चाहिए? ये क्या हो रहा है? ससुर जी, ये लोग हमारा घोड़ा नहीं लौटा रहे। इनके फार्म पर मेरा घोड़ा लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जी मैं नहीं लाया, वो घोड़े ने मुझे गिरा दिया और खुद भागकर यहाँ। अगर घुड़सवारी नहीं आती तो घोड़े पर बैठने की जरूरत क्या थी तुम्हें? पृथ्वी सिंह जी, मेरा घोड़ा वापस कर दो। घोड़ा वापस ले जाने की 2 ही सूरतें हैं ठाकुर। बोलो। पहली ये कि अगर इस साल तुम चैरिटी रेस जीत लेते हो तो अपना ये घोड़ा इज्जत के साथ वापस ले जा सकते हो। और दूसरी, इस लड़के ने जो मुझसे बदतमीजी की है उसकी माफी तुम्हें मुझसे मांगनी होगी। जबान को लगाम दो। अगर तुमने अंकल की शान में जरा सी भी गुस्ताखी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें अपनी जीत पर बहुत घमंड है ना? तुम्हारा ये घमंड मैं चूर चूर कर दूंगा और इस बार चैरियट रेस जीत कर ये घोड़ा मैं अंकल को प्रेजेंट करूंगा। शाबाश बेटा, देखा, इसे कहते हैं खानदानी खून जो बेइज्जती पर खौल उठा। बेटा सही मानो में तुम ही मेरे दामाद हो, मैं परसों ही उर्मिला के साथ तुम्हारी सगाई करूंगा। चलो घोड़े के तबेले में गधा कहां से आ गया? जेलो इसको अभी। क्या? उर्मिला, उर्मिला। आगे भी कुछ बोलेगा? मैं मांगने से पहले तुम्हें ये फूल लेकर किस करना चाहता हूँ। ये बत्ती चली गई, इसको भी अभी जाना था, ये कब आएगी? तेरे जाने के बाद। मेरे जाने के बाद? लेकिन ये कौन बोला? मैं बोली। लेकिन तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? वो कल रात को इन्फेक्शन हो गया था ना गले में। I don't mind. मुझे क्या करना, मुझे तुम्हारे सिर्फ होंठों का किस करना है। पहले जाकर ठीक से मुंह धोकर आना। लेकिन रात में इस अंधेरे में मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। कहीं भी जाके मुंह मारना। कहाँ? कहीं भी जा, राइट जाके, लेफ्ट जाके, सीधा जा। ओके, ये फूल ले लो। ला इधर ला, इधर ला, इधर ला, जा। Quite confusing है? हाँ चल जा। उर्मिला, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। मैं बोलती हूँ वैसा करना। ओके सीधा जा राइट में थोड़ा सा। ओके ओके आई एम फॉलोइंग यू। अभी लेफ्ट थोड़ा, बस ऑलराइट।
अब बस अभी गिर जा। गिर गया। वेरी गुड, अभी मुंह धो ले, उसी पानी से मुंह धो ले। शाबाश शाबाश। हाँ ओके वेरी गुड, अभी उठना नहीं है। हाँ अभी घुटनों के बल आ जाना अगर मेरा किस करना है तो। ऑलराइट ऑलराइट। आँख बंद कर ले, चल आगे आ जा। उर्मिला चलते चलो भाई, आ चलते चलो भाई, बस बस थोड़ा सा राइट में। ओके थोड़ा सा लेफ्ट। ओके हाँ मुंडी ऊपर। हाँ बस 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 बस, अब तुम में और मेरे होठों में सिर्फ 2 इंच का फासला रह गया है। You mean it? I mean it and just go ahead, please now. Yes, baby, yes. Let me kiss. Darling, तुम्हारे होठों में इन्फेक्शन हो गया क्या? इतने मोटे मोटे हो गए? Oh, don't ask the question. Go ahead. Okay, okay, okay. Don't be angry. Yes. Yes. घोड़ा। Stupid. Damn it. Idiot. इधर। क्या है? रात के अंदर में घोड़े और घोड़ियों का चुम्मा ले रहा है? नहीं यार, मैं तो उर्मिला का चुम्मा लेने आया था यार। और ले लिया घोड़ी का? मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है यार, मुझे आता नहीं है ना। अरे बेवकूफ, चुम्मा लेना एक आर्ट है, कला है। रियली? मैं तुझे सिखाता हूँ। उर्मिला यहाँ आओ, पहले लड़के का हाथ पकड़ो। नहीं तुम नहीं, मैं पकड़ूंगा। ओके ओके ओके। हां पहले लड़के का हाथ पकड़ो। ओके उसे अपनी तरफ खींचो, फिर उसे डन करो और उसका चुम्मा ले लो। तूने मेरी होने वाली बीवी का चुम्मा ले लिया? अरे हाँ। ओए राजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का मजाक उड़ाने की? ए तूने बताया नहीं क्या हुआ? हाँ मैंने बताया था कि रात को मैंने उर्मिला के धोखे में घोड़े का चुम्मा ले लिया। तो मैंने इसे समझाया कि अपनी होने वाली पत्नी का चुम्मा लेना एक कला है, एक आर्ट है। करेक्ट। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे ये आर्ट नहीं आता, समझाओ। तो क्या समझाया आपने? तो मैंने अपनी कला का प्रदर्शन कर दिया भाई। वो कैसे? कप रखना, पीछे हटना, पीछे हटो, पीछे। मैंने इस तरह से उर्मिला का हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा, उसे टर्न किया, उसका चुम्मा ले लिया। चुम्मा ले लिया। अरे ओ बेवकूफ की औलाद, क्यों चिल्ला चिल्ला के सारे घर को सर पे उठा रहा है? क्या क्या हुआ? रात को मैंने उर्मिला समझ कर घोड़े का चुम्मा ले लिया। मुझे तो घोड़े की तकदीर पे रोना रहा है कि उसका गधे ने चुम्मा ले लिया। दादाजी क्या हुआ क्या? मैंने इसे कहा कि अपनी होने वाली पत्नी का चुम्मा लेना एक कला है, एक आर्ट है भाई। ठीक है फिर। मैंने कहा मुझे ये आर्ट नहीं आता, बताओ। तो तूने क्या बोला इसको? तो मैंने इस तरह से उर्मिला का हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा, उसे टर्न किया, उसका दादाजी फिर चुम्मा ले लिया, फिर चुम्मा ले लिया। देखते क्यों, मारते क्यों नहीं इसको? चुप, चुप, चुप। राजू बेटे एक मिनट ये समझ ले कि तू मेरा बेटा है। मैं क्यों समझू? अरे गधा है, समझने में क्या प्रॉब्लम है? आ जाओ इस तरफ, आ जाओ इस तरफ, आ जाओ, खड़े रहो मेरे गधे, जाना उधर। अब बताओ कल रात क्या हुआ? कल रात को मैंने उर्मिला के धोखे में घोड़े का चुम्मा ले लिया। करेक्ट। तो क्या हुआ फिर? मैंने कहा कि अपने होने वाली पत्नी का चुम्मा लेना भी एक आर्ट है, एक कला है भाई। वेरी गुड। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे आर्ट नहीं आता, मुझे सिखाओ। अब बताओ राजू बेटे कल रात क्या हुआ? से मैंने उर्मिला का हाथ पकड़ा, उसके नजदीक गया, उसे घुमाया और चुम्मा ले लिया। Dad, I'm ready. Let's party, let's party. Dad, क्या हुआ? मैं कुछ सोच रहा हूँ। आप सोचते भी मुझे आज मालूम पड़ा। चुम्मा। आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। मुझे लगता है राजू पति तो है शर्मिला का, मगर उसका उर्मिला के साथ भी चक्कर है। तो क्या तेरी शादी उर्मिला से हो रही है? तो शादी के बाद भी राजू के साथ चक्कर चले तो अपने को क्या? अपने को तो ठाकुर साहब की दौलत से मतलब है डैड। हे भगवान, मैं इसे तो ठीक नहीं कर सकता। मगर आज इसकी सगाई उर्मिला के साथ हो जाए तो उस राजू को तो ठीक करूंगा मैं।
कुड़ी लैनी है, अरे एहो कुड़ी लैनी है जी, एहो कुड़ी लैनी है। से डर के मर जाएंगे आहें भर के, चल जान तमन्ना देखे हम एक दूजे पे मर के, देखते ही तुझे मैंने यही पुकारा, एहो कुड़ी लैनी जी, एहो कुड़ी लैनी है, अरे एहो कुड़ी लैनी जी, एहो कुड़ी लैनी है। Stupid, yeah. Try to understand what I'm saying, yeah. You're stupid. तुम मुझे समझाने वाले होते कौन हो? अरे after all, you're my साली यार। ये क्या हो रहा है? डैडी आप इसे समझा दीजिए प्लीज, हमारे घर के मामले में दखल देने वाले होते कौन है? ससुर जी मैं तो इसे कह रहा था। खामोश। बोलो बेटी। डैडी मैं कह रही थी कि शर्मिला ने इनसे शादी करके पूरे गाँव के सामने आपका सर झुका दिया है, पर अब मैं पूरे गाँव के सामने आपका सर ऊँचा करना चाहती हूँ, और जब इंदर का घोड़ा रेस जीतेगा तो पूरे गांव में आपका कितना सम्मान होगा, और तब जाके मैं इंदर से सगाई करूंगी। देखा, ये है मेरी बेटी, अपने बाप की इज्जत का कितना ख्याल रखती है। ससुर जी घोड़े की रेस में गधे को दौड़ाकर क्यों सगाई का ख्वाब देख रहे हैं आप? बहुत पछताएंगे आप। खामोश, अब तो सगाई रेस के बाद ही होगी। गुड एक्टिंग, आई एम इंप्रेस्ड। हर साल की तरह इस साल भी आप सबका स्वागत है। पिछले दो साल से मेरा घोड़ा जीतता आया है, और मैं जानता हूं कि इस साल भी मेरा ही घोड़ा जीतेगा। इसका फैसला तो रेस के बाद ही होगा ठाकुर साहब, क्योंकि इस साल पहली बार मेरा बेटा इस रेस में हिस्सा ले रहा है। नहीं बच्चा है, आप सामने देखिए, सामने देखिए। अच्छा हम्म।
कमान इंदर कमान। लवली, वेल डन वेल डन। देखा आखिर मेरा बेटा है। या कमान देवी कमान। आजा बेटा आजा आजा। डैड, सिटी बजा दी ना, मुझे करा दिया ना, अब मेरी उर्मिला से शादी कैसे होगी? उर्मिला, ये मैंने क्या किया? Come on, ये, यस, यस, ये, या come on, come on, डैड, hey. चीटिंग कर रहे हो? तेरी जात का हाथ क्या? आवाज़ करो! कम ऑन! या! शाबाश बेटे, अरे मेरे गले लग गया। ये तो कमाल हो गया। आज तूने ठाकुर बलराज सिंह का सर फकर से ऊंचा कर दिया। थैंक यू। चार दीवारी के अंदर की गई गलती को चार लोगों के सामने मानने में कोई हर्ज नहीं। बेटे, मैंने तुम्हारी और शर्मिला की शादी को कभी नहीं माना और ना ही मैंने तुम्हें अपना दामाद माना जी। लेकिन मैं गलत था। लेकिन आज मैं सबके सामने घोषणा करता हूं कि अगले शनिवार को मैं राजू और शर्मिला की शादी धूमधाम से करूंगा। आप सब लोगों को मेरा निमंत्रण है। खुश रहो बेटे। चले ठाकुर साहब, लगे हाथ इंदर और उर्मिला की शादी की घोषणा भी आप कर दीजिए। जो रेस के मैदान में सबके सामने गिर जाए
ऐसे हारे हुए लड़के को मैं अपना दामाद नहीं बना सकता। क्यों भाई राजू, हैं? तुम कहा करते थे ना मैं कब हंसूंगा कब खुश होऊंगा, ये देखो मैं कितना खुश हूं। लेकिन तुम्हारी हंसी कहां गायब हो गई? ये हंसी क्या होती है, नाम सुना सुना सा लगता है। तुम्हारा यही अंदाज तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। बेटी अब जरा तू लगा दे, मुझे बहुत सारे काम है। चल बहू चलिए। आइए आइए बैठिए बैठिए आप भी। चलो बच्चो जरा मैं भी हल्दी लगा दूं उसको। कितने प्यार से हल्दी लगा रही देख रहे हैं आप। शायद ये दुनिया की पहली नसीब वाली लड़की है जो अपने दूल्हे को अपने बहन के लिए हल्दी लगा रही है। राजू तो फिर मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखना, मैं तो उस बंदूक की तरह हूँ जो फायर तो नहीं कर सकती सिर्फ फोटो की तरह दीवार पर लटक सकती है। मगर ये जो कुछ हो रहा है ये तो होने नहीं दूंगा मैं। क्यों क्या करेंगे? एक आइडिया दूंगा तुझको, एक काम कर इसको लेके भाग जा। क्या बात करते हैं दादाजी, आपके खानदान के 400 साल के इतिहास का क्या होगा? अरे भाड़ में गया खानदान, इतिहास उसकी इज्जत। जब ये दो जिंदगियां नहीं बचेंगी तो इतिहास का क्या अचार डालेंगे? भाग इसको लेकर। नहीं नहीं दादाजी, देखिए हम लोगों ने जब गलत नहीं किया तो ऊपर वाला हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। देखिए ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा। अब क्या हुआ? ऊपर वाले ने सब सुन लिया। क्या मतलब? शर्मिला ने सब सुन लिया। हेलो शर्मिला, शर्मिला, शर्मिला! शर्मिला! ये सब क्या कर रही थी तुम? पागल हो गई हो क्या? छोड़ दीजिए मुझे, मर जाने दीजिए। मैं इसी लायक हूँ, अनजाने में मैं अपनी छोटी बहन की खुशियां छीनने जा रही थी। नहीं 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 शर्मिला, तुम पागल हो गई हो। अरे मैंने जो कुछ किया तुम्हारी खुशी के लिए, इस घर की इज्जत के लिए, और तुम के बस सारी मेहनत पर पानी फेर रही हो। मैं कितनी बदनसीब हूँ ना राजू, ये मेरी बदनसीबी ही है जो मुझे ये छोड़ के चले गए। और अब इनके लौटने की भी कोई उम्मीद नहीं। तस्वीर दिखाना जरा। शर्मिला मैंने इसको कहीं देखा है, शायद पृथ्वी सिंह के फार्म पर। ये उसी का बेटा है। ओके। ए! क्या खुशबू हो रही है? घबरा गए? दो मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर नीचे आ जाओ, मेहमान आने वाले हैं। दादाजी वक्त बहुत कम है, आप मेरी अमानत का ख्याल रखिए, मैं इसकी अमानत को हर कीमत पर लेकर आऊंगा। मैं भी आता हूं साथ। नहीं दादाजी, वार में बगैर गोली की बंदूक का क्या काम? आप रहने, मैं बहुत गुस्से में हूं यार। तू आप अपना गुस्सा यहीं निकालिए। अरे तू मेरे को लेकर चल, मैं बहुत सुन दो यार। तू राजू ए ओके आई गॉट यू। आपको तो मैंने पहले कहीं देखा है। हाय, उस दिन घोड़ा लेने आया था, आज तुझे लेने आया, चल मेरे साथ। मुझे? हाँ, कितनी शर्म की बात है, तू यहाँ आराम से बैठा हुआ है और वहाँ शर्मिला तुम्हारे प्यार में तड़प रही है और उसकी खोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, मालूम है तुम्हें? आप शर्मिला को कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप कुछ नहीं जानते, मैं शर्मिला से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शर्मिला के पिताजी और मेरे पिताजी में दुश्मनी है। मैं शर्मिला से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। तू शर्मिला से शादी करना चाहता ना? हाँ। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व है, चल निकल यहाँ से। कैसे निकलना, रास्ता कहाँ है? भाई दूल्हे को बुलाइए, लगन का समय निकला जा रहा है। पिताजी राजू को बुलाइए। हाँ हाँ अभी। दादाजी अब क्या होगा? घबरा मत बेटी, मुझे अपने राजू पे भरोसा है, वो फेरे शुरू होने से पहले अजय को लेकर आ जाएगा। कहाँ जा रहा है? आज आप मुझे रोक नहीं सकते पिताजी, मैं जाके ही रहूंगा। और मैं इसे ले जाकर ही रहूंगा। उस दिन तू घोड़े के बच्चे को नहीं ले जा सका, ठाकुर के बच्चे को क्या ले जाएगा? इसे मैं ले जाऊंगा, ये मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और ये तुम्हारे भाड़े के डट्टू मुझे रोकने की कोशिश करेंगे और पिटेंगे साले, ये भी मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और शर्मिला कल तक तुम्हारे घर की बहू बन जाएगी, ये भी मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। हाँ लेकिन एक बात है, मैं सबको पीटूंगा लेकिन तुमको नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम शर्मिला के होने वाले ससुर जी हो। अच्छा ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, तो तुम्हारा तो सवाल ही नहीं उठता। पकड़ा साले को।
ठाकुर साहब, दूल्हे को जल्दी बुलाइए, लगन का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। पिताजी बुलाइए ना राजू को, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? होगा तो बुलाएंगे ना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी दोनों बेटियों को बेवकूफ बनाकर वो भाग गया। क्या बकता है बे? मेरा गला पकड़ने से क्या होगा ठाकुर साहब, ये सच्चाई है। ये बकता है, राजू तैयार हो रहा है। ऐसा कौन सा श्रृंगार चल रहा है दूल्हे मियां का कि अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ठाकुर साहब, गोली चलाने से पहले खुद देख तो आइए कि दूल्हे मियां है भी या भाग गए। अरे बकवास कहां, चुप रहिए। खामोश क्यों खड़े हो? पूछो अपने घर वालों। शादी किए बिना अपने पेट में बच्चा लिए घूम रही अपनी बड़ी बेटी से पूछ। अरे अपनी बड़ी बहन से गहने और कपड़ों के साथ साथ आशिक को शेयर करने वाली तेरी छोटी बेटी से पूछ। अरे ये सब जानते हुए कि तुझे बताए बिना तेरी बेटियों को गलत रास्ते पे ले जाने वाले तेरे बाप से पूछ। जिस मान मर्यादा इज्जत खानदान की तू बात कर रहा था, तेरे घर वालों ने तेरे घर में उसे दफना दिया। अब गोली चलाओगे भी तो किस पर चलाओगे ठाकुर साहब? चाबी के गाड़ी चलाएगा क्या? अगर ये मुझसे अपनी दोनों बेटियों की शादी करना भी चाहे तो मैं तो ना करूं ऐसे खानदान में, क्यों डैड? अरे सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे आप सब लोग तो बड़े बड़े खानदान से हैं, ऐसे गिरे हुए खानदान का खाना खाने से अच्छा है किसी मरे हुए के यहाँ खाना खाते हैं। अरे इनकी कोई इज्जत है क्या? चलिए उठिए, जिस खानदान पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई थी, आज उसी खानदान पर लोग थूक कर चले गए। आज 400 साल पुराने खानदान का वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और खत्म हो जाएगा इस खानदान का एक एक आदमी। आज तक मैंने ये बंदूक सिर्फ उठाई थी, किसी पर चलाई नहीं थी, लेकिन आज ये बंदूक चलेगी और सिर्फ लाशें गिरेंगी, सिर्फ लाशें। अजय आशीर्वाद लो। दादाजी अब खड़ा क्यों है? उठा बंदूक, गिरा डाल सबकी लाशें। सारी जिंदगी अपनी मान मर्यादा झूठी इज्जत की धौंस देता रहा और धौंस का नतीजा देखा। ये तेरी औलाद तुझसे प्यार नहीं करती, डरती है। पर अगर तूने ये सारी जिंदगी बंदूक उठाने के बजाय उनको प्यार दिया होता ना, तो ये दिन देखना नसीब नहीं होता। ये राजू शर्मिला का पति नहीं है, उसका पति ये है अजय। अरे राजू तो
उर्मिला से प्यार करता है। तेरी ये बेटी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने जा रही थी, राजू ने बचाया उसको और उसका पति बनकर तेरे घर में आके रहने लगा ताकि लोग तेरी इज्जत तेरी आबरू पर उंगलियां ना उठाएं, तुझे धोखे ना, उसकी भलाई का ये नतीजा दिया तूने। दादाजी बोलने दे बेटा, जिंदगी में पहली बार तो हाँ तो बोलने का मौका मिला है। नहीं दादाजी, आप शांत हो जाइए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो इनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और फिर मेरे यहाँ आने का मकसद भी तो पूरा हो गया है। उसके अलावा मुझ जैसे अनाथ को कितने सारे रिश्ते एक साथ देखने मिल गए यहाँ पर। दादा, दादी, माँ, एक अच्छा दोस्त और एक गुस्से वाला बाप भी। मगर जाने से पहले मैं एक बात कह दूं आपको, आप विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, सिंह याने के शेर, बब्बर शेर, और शेर भी कौन सा, वो जंगल वाला, वो सर्कस वाला नहीं। किधर? जब मैं गांव में आया था तो गोली चलाई, जब मैं गांव से जा रहा हूं तो गोली चला रहे। Can't you speak without a fire or what? हमारे खानदान के 400 साल के इतिहास में आज तक कोई लड़का अपनी होने वाली बीवी को छोड़कर नहीं भागा, तो तू उर्मिला से शादी किए बिना कैसे भाग रहा है? I like your style, man. You're cool, huh? You're quite good, okay? All right, yeah. Young man. Let's have it. दिल में मेरे प्यार वाला गुल खिला, और मिला है और मिला, दिल में मेरे प्यार वाला गुल खिला। हसीन तू जवान, मैं लुटाऊं तुझ पे जान, मैं कल शुरू करेंगे चाहतों का सिलसिला। मन चला ओ मन चला ओ मन चला, जा दीवाने यूं ना मेरा दिल जला। उर्मिला दिल में मेरे प्यार वाला गुल खिला।